तो वेलकम है दोस्तों। आज हम लोग बात करने वाले हैं तीन को छोटी छोटी वैकेंसी के बारे में, ठीक है। तो पहला है हमारा आर्मी स्कूल जो है रामगढ़, रामगढ़ कैंट में, नाम सुने ना रामगढ़ कैंट का, ठीक है, वहीं पे है रामगढ़ छावनी में। और दूसरी हम लोग है एक रोज़गार मेला और एक है एक प्राइवेट जॉब, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग रोज़गार मेला पर चलते हैं, ठीक है। उसके बाद रामगढ़ छावनी में जो वैकेंसी आई है उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। ये रामगढ़ छावनी की वैकेंसी है, ये प्राइवेट है, ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल है, ठीक है। और ये है हमारा रोज़गार मेला जो कि पलामू में कल लगने जा रहा है, ठीक है। तो देखिए 28 तारीख को कहाँ पे लगेगा, पलामू में, ठीक है। तो यहाँ पे गढ़वा, पलामू, लातेहार, आसपास के जिला के बच्चे भाग ले सकते हैं और काफ़ी बड़ी मात्रा में यहाँ पर वैकेंसीज आएगी। देखिए स्थान जो है आपका 28 तारीख दिन बुधवार को जिला नियोजनालय परिसर डाल्टनगंज में 11 बजे से 3 बजे के बीच में एक दिवसीय रोजगार मेला का आयोजन किया जा रहा है, ठीक है। इसमें ये सारी कंपनीस आएंगी, ठीक है, जो 12th पास, 10th पास, ITI, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, डिप्लोमा, BE, BTEC, इन सभी को यहाँ पे लिया जाएगा, ठीक है। बहुत सारे जॉब की पोस्टिंग झारखंड में है और बहुत सारे में आउट ऑफ झारखंड में है, ठीक है। तो डिटेल में देखने के लिए आपको यहाँ पर पढ़ना होगा, मैं वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, ठीक है। नेक्स्ट है ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल, प्राइवेट स्कूल है रांची में। यहाँ पे PRT, TGT और PGT साथ ही हेड मास्टर के पोस्ट पे वैकेंसीज आई हुई हैं, ठीक है। अगर आप एलिजिबल हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं और अप्लाई करने के लिए यहाँ पे आपको हेल्पलाइन नंबर दिया गया है, आप इस पर फ़ोन कर सकते हैं या फिर इनका जो ईमेल ID है इस ईमेल ID पर आप अपना रिज्यूम वगैरह भेज दीजिएगा, ठीक है, रिज्यूम, बायोडाटा जो भी है। और लास्ट डेट है यहाँ पर 5 मार्च 2024, डिटेल में पढ़ लीजिएगा जिनको ज़रूरत है। चलिए देख लेते हैं फिर हमारा, देखिए मेरे पास अभी टाइमिंग जो है थोड़ा सा कम है क्योंकि कुछ काम है, ठीक है, इसलिए मैं जल्दी जल्दी बता दे रहा हूँ और कुछ दिन चलेगा, उसके बाद मैं इजीली आराम से आपके साथ भी टाइम स्पेंड कर पाऊँगा। तो बोला गया है कि आर्मी पब्लिक स्कूल रामगढ़ कैंट, ठीक है, और ये CBSE से एफिलेटेड है। तो यहाँ पर जो है PGT टीचर की आवश्यकता है मैथ एक इकोनॉमिक्स के, ठीक है। और इधर आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन दिया गया है कि आप कितने पढ़े लिखे होने चाहिए, मतलब कि पोस्ट ग्रेजुएट होने चाहिए आप अपने सब्जेक्ट में, ठीक है। और बोला गया है कि और इक्विवेलेंट डिग्री विथ एग्जामिनेशन 50% मार्क्स इन ईच अदर क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस। तो बोला गया है यहाँ पे CBSE एफिलेटेड होना चाहिए बाय लो चैप्टर 9, ठीक है। तो मतलब आप PG किए हैं, अगर PG प्लस BEd किए हैं तो आप यहाँ पर डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं, सीटेड वगैरह नहीं पे बोला गया है, लेकिन अगर आप सीटेड वैलिड हैं तो डेफिनेटली आपको यहाँ पे ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिलेगा, ठीक है। TGT के देख लीजिए तो TGT में इंग्लिश की एक है, साइंस की एक आवश्यकता है, मैथ की एक आवश्यकता है, ठीक है। फिर हम लोग सोशल साइंस के देख लें तो इसमें एक आवश्यकता है, कंप्यूटर में एक, और फिजिक्स एजुकेशन स्पोर्ट में एक, ठीक है, और इसमें फीमेल को लिया जाएगा केवल फिजिक्स वाले में। इधर देख लीजिएगा इसमें BPed चाहिए, ठीक है। आगे देख लेते हैं तो फिजिक्स नहीं है, मेरे दोस्त एक है फिजिक्स करके बैठे हैं, मैं सोचता हूँ उनको भी कहीं पे लगा दें यार। PRT ऑल सब्जेक्ट, ठीक है, तो ऑल सब्जेक्ट बोला गया है, 4 टीचर की आवश्यकता है, ग्रेजुएशन प्लस आप BEd होने चाहिए, ठीक है, 2 ईयर BEd या फिर DL Ed किए हैं फिर भी अप्लाई कर पाएंगे, और CTET या फिर झारखंड TET आप पास होने चाहिए, ठीक है, या फिर किसी भी स्टेट TET पास होने चाहिए क्योंकि यह एक सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी है। PRT, ठीक है, तो PRT में बोला गया है आर्ट एंड क्राफ्ट और ड्राइंग में एक सीट है और 2 ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए आपको आर्ट क्राफ्ट ये सब में, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों अगर आप फॉर्म अप्लाई करते हैं तो आपको जो है डिमांड ड्राफ्ट बनाना पड़ेगा, कितना का, तो 100 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट देना पड़ेगा, ठीक है। आर्मी पब्लिक स्कूल रामगढ़ कैंट इज रिक्वायर्ड टू बी सबमिटेड विथ एप्लीकेशन, ठीक है, और ये आपका बोला गया है कि बिफोर, अरे बाप रे इतना ज़ोर से गरज रहा है यार, मैं डर गया, चलिए फ्लाइट मोड किया है। तो चलिए दोस्तों मैं वीडियो को ऑफ कर देता हूँ यार, काफ़ी ज़ोर से यहाँ पे बारिश हो रही है। और यहाँ पे देखिए अगर आपको कोई दिक्कत होता है तो ये नंबर है, आप इस पर फ़ोन कर लीजिएगा और बाकी देख लेते हैं। तो लास्ट डेट कब है इसका, और यहाँ पे एज वगैरह सब कुछ दिया गया है, ठीक है, जल्दी से देख लेते हैं। ये आपका फॉर्मेट है, इसी फॉर्मेट को आपको फॉर्म फिलअप करके ऑफलाइन भेजना होगा, ठीक है। तो झारखंड के जितने भी लोग हैं वो सब अप्लाई कर दीजिएगा टीचर में, और क्या जल्दी से देख लीजिए भाई लास्ट डेट, और वीडियो को ऑफ करना है यार हमको।
अब देखिए यहाँ पे जो है आपका लास्ट डेट बता दिया गया है कि 16 मार्च है। कब है? तो 16 मार्च, ठीक है, 2024। और आपको ये जो एप्लीकेशन फॉर्म दिखाया ऑफलाइन वाला, आपको इस एड्रेस पे सेंड करना होगा, रामगढ़ कैंट नियर BSNL ऑफिस, डिस्ट रामगढ़, पिन कोड इतना। ठीक है, यहाँ से लिखिएगा आर्मी पब्लिक स्कूल रामगढ़ कैंट नियर BSNL ऑफिस, डिस्ट इतना। ठीक है, 16 मार्च से पहले आपको यहाँ पे पहुँच जाना चाहिए, तभी आपका फॉर्म को सबमिट माना जाएगा। 100 रुपया डिमांड ड्राफ्ट बनवा लीजिएगा। किसके नाम से? तो मैंने बता ही दिया है यहीं पे यार, मतलब थोड़ा सा हड़बड़ी में हूँ ना। तो यहाँ पे 100 रुपया आर्मी पब्लिक स्कूल रामगढ़ कैंट के नाम से बनाइएगा। ठीक है, डिमांड ड्राफ्ट ये हो गया। तो जिसको जहाँ पे अप्लाई करना है अप्लाई कर सकते हैं, रोजगार मेला में जिनको जाना है रोजगार मेला में जाइए। तो इसी तरह से दोस्तों मैं प्राइवेट गवर्नमेंट जितना भी होता है सब एक साथ करके दे देता हूँ यार, कि चलो भाई मुझे अलग अलग से वीडियो ना बनाना पड़े। ठीक है, थैंक यू, बाय। मेरे जोहार झारखंडी भाइयों दोस्तों एंड आउट ऑफ स्टेट को भी जोहार, बाय। हाँ, इसका PDF जिनको चाहिए वो वीडियो का डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड करके ले सकते हैं। ठीक है, और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, इसी तरह से अपडेट पाने के लिए।